एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा मंत्र के दृष्टया ऋषि सत्पुरुष बाबा पुलसंदे वालों ने रॉयल बैंक के चौल दानशाह के मिलक्ष शाहपुर रोड खुशालपुर मुरादाबाद में उपस्थित धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। तीन दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिवस बाबा फुलसंदे वालों ने प्रवचन देते हुए कहा कि लोग अहंकार में मतवाले होकर सोचते हैं कि हम ही करता है, हमारी व्यक्तिगत चेष्टा से ही सब कुछ होता है, किंतु ये भ्रांत धारणा है जो विराट शक्ति परम पुरुष अमृत ब्रह्म है, वही सारे संसार को संचालित करता है। बाबा फुलसंदे वालों के प्रवचनों को सुनकर उपस्थित सभी गुरु प्रेमियों ने अपना जीवन सफल बनाया। बाबा फुलसंदे वालों के प्रवचन के पश्चात उनका सिक्कों से तुलादान किया गया। तुलादान में आई समस्त धनराशि अपने देश भारत वर्ष के शहीदों के परिवार को भेजी जाएगी। तुलादान के उपरांत नामदान संस्कार हुआ, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने नामदान संस्कार प्रतिभाग कर नाम लिया। आरती के पश्चात उपस्थित सभी गुरु प्रेमियों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस बाबत बाबा फुलसंदे वालों के साथ साथ बाबा के परम हितैषी गुरु मुख जागेश्वर जी द्वारा बताया गया। बाबा फुलसंदे वालों का त्रिदिवसीय दिव्य सत्संग सतपुर बाबा फुलसंदे वालों का दिव्य मंत्र है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। इसका अर्थ है, हे परमेश्वर तू सच्चा है और तेरा नाम सच्चा है। बाबा जी ने सभी को यह परमेश्वर का पवित्र नाम जपने के लिए दिया और कहा, जब तक आप बार बार परमेश्वर की पूजा आराधना नहीं करेंगे तब तक आपकी आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए आपको परमेश्वर की पूजा आराधना करना होगा। जितने भी देवी देवता हैं वो आपके पितृगण हैं, उन सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करो। पूजा एक परमेश्वर की करो, क्योंकि हमारे देवी देवता हमारे पितृगण ये सभी उसी एक परमेश्वर की पूजा करते हैं। देवी स्थान अतः हमें भी देवी देवताओं के अपने ऋषि मुनियों के बताए हुए रास्ते पर चलकर उस पार ब्रह्म परमेश्वर की निकटता हासिल करनी चाहिए। निकटता तभी मिल सकती है जब हम उस परमेश्वर के सच्चे नाम को अपनी आत्मा के द्वारा जपेंगे। और बताया कि अपना खान पीन शुद्ध रखो, इंसान जैसा खाता है ऐसे उसका मन बनाता है। आज तीसरे के अंतिम दिवस क्या कार्यक्रम किया गया? आज अंतिम दिवस में सतपुर बाबा प्रसन्ने वालों का तुलादान हुआ। इस तुलादान में जो भी सेवा साथ संगत द्वारा की गई वह देश के शहीदों के लिए देश को समर्पित